आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक फिर से स्वेटर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे पफ डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये आपकी, इसमें आप नीडल पर संख्या डालेंगे, दो के जोड़ में संख्या डालना है। इस तरह से दो, फिर दो, फिर इस तरह से गिन लें। तो मैंने इसमें 16 फंदे डाले हुए हैं इस सिलाई पर। तो देखिए पहली सिलाई कैसे करनी है। जैसे हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं, हमें उस तरह से इसे बनाना है। तो सबसे पहली फर्स्ट रो बॉर्डर के बाद से आप यहाँ से शुरू करें। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इस तरह से उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी ओर और इसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे इसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे इसे सीधा बनाएंगे। इसी तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब हम आ गए सेकंड रो पे। सेकंड रो देखिए, ये फंदा हमारा सीधा था लास्ट का, इधर से हम इसे उल्टा बनाएंगे। अब देखिए सेकंड रो, पहला फंदा उल्टा, धागा उस ओर, ये फंदा सीधा दिख रहा है, देखिए इसे हम सीधा बनाएंगे। यानी कि जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसी तरह से हमें बनाना, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारे ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया, बैक साइड से सेकंड रो कंप्लीट। और अब हम आ गए फ्रंट साइड यानी तीसरी रो यानी थर्ड रो। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है हमें, ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए धागा पीछे ले जाएंगे। अब जो ये सीधा फंदा दिख रहा है, अब इसे हम यहाँ से नहीं बुनेंगे, इसके नीचे से बुनेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम बुने, फिर धागा एक बार और अपनी तरफ लाएंगे और फिर इसी गैप से एक बार और बुनेंगे नीचे। देखिए ये जो गैप दिख रही है, यहाँ होल, इसके अंदर फिर से डालेंगे हम इसे और इस तरह से हम उसकी बुनाई करेंगे। अब देखिए यहाँ तीन फंदे बन गए, एक दो तीन, तीनों को हम इस नीडल पे चढ़ाएंगे लेफ्ट वाले पे, और बैक साइड से हमें इन चारों फंदों को एक साथ हमें सीधा बनाना है। पहली बार दिक्कत हो जाती है निकलने में से। ये फिर धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जो उल्टा है उसे हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करने के बाद देखिए ये जो फंदा है हमारा सीधा दिख रहा है, जो सीधा फंदा है देखिए ये वाला, यहाँ से नहीं बुनना है हमें, उसके नीचे से बुनेंगे यहाँ से। तो यहाँ हम नीडल डालेंगे इस तरह से और इसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और फिर इसी गैप से एक बार और बुनेंगे हम इसमें सीधा। तो देखिए तीन फंदे बन गए, एक दो और तीन, और ये एक, चार। फिर इन तीनों को इस लेफ्ट वाले में चढ़ा लेना है इस तरह से, और ये तीन और एक नीडल पे जो था, इन चारों को मिला के एक साथ हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए धागा अपनी ओर करके फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा दिख रहा है हमारा, ये सीधा वाला, इसके नीचे से डालेंगे हम यहाँ से। देखिए यहाँ से इस तरह से एक फंदा हो गया, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इसी गैप से फिर एक बार और डालेंगे, ये दो हो गया। और ये जो तीन फंदे बने हैं, एक दो और ये तीन, फिर इसमें चढ़ा लेंगे हम सभी को, वापस इसमें चढ़ाना है। और देखिए लेफ्ट से इसे हमें इस तरह से सीधा बना लेना है, इस तरह से धागा करेंगे।
और इस तरह से देखिए इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे। फिर देखिए जो ये नीडल पे है यहाँ नहीं बुनना है, इसके नीचे जो है फंदा हमें यहाँ से बुनाई करनी है इसकी, इस तरह से लिया। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर इसी गैप में एक बार और डालेंगे इस तरह से, और वापस से देखिए इन तीन फंदों को, एक दो और ये तीन, इन तीनों को इस लेफ्ट में चढ़ा देंगे लेफ्ट वाले नीडल पे, और बैक साइड से हमें सारे फंदों को सीधा बनाना। धागा इस तरह से करके लेंगे आप तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बुनना, इसीलिए इसे आप इस तरह से लें, इस तरह से आप करेंगे तो ये जल्दी से बुना जाएगा आपका, तो टाइट नहीं लगेगा आपका ये। इस तरह से उभरा हुआ दिखेगा आपका डिज़ाइन। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसकी बीच में डालेंगे यहाँ पे, इसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर इसी गैप से फिर एक बार और बुनेंगे, फिर इन तीनों फंदों को हम इस तरह से चढ़ा देंगे और इसे देखिए फिर से हम इसे सीधा बना लेंगे। पहली लाइन आपकी दिक्कत आएगी बनने में, फिर उसके बाद आप जब ये सारे फंदे ढीले हो जाएंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरह से फिर धागा अपनी ओर, इसी तरह से लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट का फंदा हमने, एक फंदा हमने उल्टा बन लिया और एक लास्ट का सीधा बचा हुआ है, इसे भी हम उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए बैक साइड आ गए, बैक साइड हमें क्या करना है, ये दो फंदे हम, पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, इसे हम उल्टा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उल्टा बनेगा और ये जो सीधा है इसे हमें सीधा ही बना लेना है। धागा अपनी ओर करेंगे और जो जिसमें हमने पफ बनाया हुआ था, देखिए ये जो जिसमें हमने पफ बनाया इसे अब हम उल्टा बुनेंगे। धागा उधर, ये जो कि सीधे फंदे दिख रहे हैं इसे हम सीधा ही बना लेंगे। धागा अपनी ओर, ये पफ वाला डिज़ाइन है देखिए, इसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा उस ओर, इसे सीधा। धागा अपनी ओर, इसे उल्टा। धागा पीछे, सीधा। धागा अपनी ओर, उल्टा। धागा पीछे, सीधा। धागा अपनी ओर, उल्टा, पीछे। इसी तरह से ये लाइन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जो पफ वाला फंदा है उसे ध्यान रहे, उसे हमें उल्टा बनाना है, और जो सीधे फंदे हैं उसे सीधा ही बना लेंगे हम। ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई, डिज़ाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ये, तो दूसरी लाइन फिर आप यहाँ से शुरू कर सकती हैं इसी तरह से, या तो फिर आप कलर चेंज कर सकती हैं, फिर इसी तरह से आप बनाएं इस डिज़ाइन को। फिर से हम यहाँ से इस तरह से शुरू कर देंगे, ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, या तो दो लाइन आप इस तरह से उल्टा सीधा जैसे मैंने शुरू में बनाया हुआ था, एक लाइन सीधी उल्टी की, फिर एक लाइन सीधी जिससे जैसा जो फंदा था उस तरह से, उसके बाद फिर डिज़ाइन डाल सकती हैं, या तो फिर एक लगाते रहिए डिज़ाइन आप डाल सकती हैं। एक लाइन और मैं बात बता देती हूँ आपको, तो ये फंदा जो उल्टा है इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा है तो मैं अभी यहाँ पे पफ नहीं डालूंगी, ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद पफ डालूंगी, सीधा हो गया। ये उल्टा है इसे उल्टा बनाएंगे, ये सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, ये उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, इसी तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। अब हम आ गए, ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई हमारी, अब सेकंड रो पे आ गए। अब जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से बुनेंगे, पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये वाला सीधा, धागा अपनी ओर, ये उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं देखिए, ये उल्टा है तो उसे उल्टा बुनेंगे, ये सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा सीधा, इसी तरह से करके लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पूरा कर लेती हूँ पहले, तो देखिए फिर से अब हम इसी तरह से डिज़ाइन डालेंगे इसमें, इस तरह से पफ में पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, धागा पीछे,
अब देखिए, इस बार चाहे तो आप बीच में भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं यही डाल रही हूँ। ये जो ऊपर वाला फंदा है इसे नहीं डालेंगे, इसके बीच में जो नीचे गैप दिख रही है इसमें डालेंगे हम इस तरह से। यहाँ से इसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर लाएंगे, फिर इसी गैप से, देखिए इसी गैप से एक बार और बनाएंगे हम इस तरह से। और ये फंदा, और यहाँ तीन फंदे देखिए, इस वाले फंदे एक और यहाँ तीन है, देखिए एक दो और ये तीन, इन तीन फंदों को हम अब इस पे चढ़ा देंगे इस तरह से। और बैक साइड से हमें सारे फंदों को इस तरह से सीधा बना लेना है, इस तरह से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर यहीं से बुनेंगे, नीचे डालेंगे, एक हो गया। यहाँ डालेंगे दोबारा, ये दो सारे फंदे इस पे चढ़ा लेना है हमें, और बैक साइड से इसे सीधा बना लेना है, देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी ओर और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। इसी तरह से ये हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होगी। तो चलिए इसी तरह से पूरा बनाइए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये बेबी स्वेटर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिकनेस लिया हुआ होता है, बहुत मोटी बुनाई होती है इसकी, देखिए। इसलिए ये डिज़ाइन आप बेबी स्वेटर में डालेंगे, मल्टी कलर में भी डाल सकती हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन डाला, उसके बाद फिर जैसे मैंने एक सीधा एक उल्टा का बनाया हुआ था, फिर यहाँ से आप दूसरा कलर जोड़ के दो लाइन बना के उसके बाद फिर ये डिज़ाइन डाल सकती है दूसरे कलर से। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप दो तीन कलर में भी बना सकती हैं इसका, तो मैंने एक ही कलर से बताया आपको। तो चलिए बनाइए, और कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।